हेलो गाइस, तो आज का हमारा क्वेश्चन है वो हमसे पूछा गया। इसमें द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, ठीक है गाइस। तो ये गाइस, हम मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला जानते हैं, वो होता है साई इज इक्वल टू बी इंटू ए, ठीक है। तो फाई इज इक्वल टू बी क्यू, यानी मैग्नेटिक फील्ड की हम वैल्यू जानते हैं, वो क्या होती है गाइस, डायमेंशन, सॉरी वैल्यू नहीं डायमेंशन, वो होती है एम टी रेस टू पावर माइनस टू ए रेस टू पावर माइनस वन, और एरिया की हम जानते हैं एल स्क्वायर, ठीक है गाइस। तो इसको जब हम एल स्क्वायर को मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फाइव की वैल्यू आ जाएगी एम एल स्क्वायर टी रेस टू पावर माइनस टू ए रेस टू पावर माइनस वन। और गाइस, अब आप सोच रहे होंगे कि हम बी की मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन कैसे फाइंड करें। तो गाइस, हमने वो वाला फॉर्मूला देखना है मैग्नेटिक फील्ड का जिसमें फोर्स आता हो, ठीक है गाइस। तो हमें पता है एक फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू क्यू वी इंटू बी, यहाँ वी है वेलोसिटी और बी है मैग्नेटिक फील्ड, क्यू है चार्ज और ये एफ है फोर्स, ठीक है। तो हम फोर्स की भी डायमेंशन जानते हैं, क्या होती है एम एल टी रेस टू पावर माइनस टू, क्यू की हम जानते हैं वो होती है डायमेंशन ए टी, और क्यू का अगर आपने डायमेंशन निकालना है तो होती है आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी, जो कि आपने 10th में पढ़ा ही होगा फॉर्मूला। वी की हम जानते हैं वेलोसिटी की डायमेंशन होती है एल टी रेस टू द पावर माइनस वन, और बी तो हमने इसकी डायमेंशन निकालनी है, ठीक है गाइस। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे बी की डायमेंशन, तो वो आ जाएगा एम टी रेस टू द पावर माइनस टू ए रेस टू द पावर माइनस वन, ठीक है गाइस। तो यहाँ हमारी बी की डायमेंशन आ गई और हमें एल एरिया की डायमेंशन पता, वो एल स्क्वायर है। तो गाइस, इन एल स्क्वायर को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी फाइव की डायमेंशन आ जाएगी और वो ये है। थैंक यू गाइस।